ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। साप्ताहिक आध्यात्मिक प्रतियोगिता या वीकली स्पिरिचुअल क्विज, इसमें आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपको हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर या हमारे व्यूअर्स लगातार 4 सप्ताह तक सही आंसर देंगे, उनमें से किसी एक लकी विजेता को माँ बगलामुखी की स्पेशल किट उपहार स्वरूप दी जाएगी, या उपहार स्वरूप उसे कोरियर से भेजी जाएगी निशुल्क। वो किट उसके जीवन के सभी कष्टों को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। इस सप्ताह का प्रश्न है, महाराजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, ए अज, बी वाल्मीकि, सी कबीरदास, डी इनमें से कोई भी नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके, कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना आंसर बताइए। बारह जून से 18 जून, दिन सोमवार से रविवार। बात करते हैं 14 जून को, तो 14 जून को योगिनी एकादशी है। एकादशी का व्रत करने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन किया गया व्रत आपके पूर्व जन्म के संचित सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। 15 जून को प्रद्योष व्रत है। 16 जून दिन शुक्रवार, मासिक शिवरात्रि है। रोहिणी व्रत 17 जून को होगा। फादर्स डे 18 जून को है। वैसे तो फादर्स डे हमारी सभ्यता में नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता में हर दिन माता पिता से शुरू होता है, परंतु इस दिन या हमेशा जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं या अपने पिता की सेवा करते हैं, तो उनकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है, सूर्य कुंडली में बिल्कुल ठीक हो जाता है। 18 जून को आषाढ़ अमावस्या का दिन है। कन्या राशि 12 से 18 जून, दिन सोमवार से रविवार। यदि बात करें तो 13, 14 और 15 जून जातक के लिए सावधानी रखने योग्य तारीख हैं, या हम ये कहें कि ये दिनांक जातक के लिए अशुभ हो सकती हैं। आइए जानते हैं सप्ताह के आरंभ में जातक के लिए ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। केतु तुला राशि के होकर द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं, जो कि धन के नुकसान के सूचक हैं। शनि कुंभ राशि के होकर छठे भाव में विराजमान हैं, जो कि आपको शारीरिक समस्या, घुटनों के दर्द और पैरों के दर्द की समस्या दे सकते हैं। चंद्रमा मीन राशि के होकर सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो कि आपको पार्टनर से प्यार और पार्टनर से सपोर्ट दर्शाते हैं। राहु और बृहस्पति मेष राशि के होकर अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि आपके कष्टों के, बीमारियों के सूचक हैं। सूर्य बुध वृषभ राशि के होकर नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान है। मंगल शुक्र कर्क राशि के होकर 11वें भाव में विराजमान है। 12-13 को समय सुख संपत्तिदायक रहेगा। ऑफिशियल काम से बाहर आप जा सकते हैं, अपनी हॉबी पूरी करेंगे। कैरियर और व्यवसाय में एकाएक सम्मान और वेतन वृद्धि हो सकती है। जो लोग दैनिक दिनचर्या वाला काम और व्यापार करते हैं, उनका यहाँ डेली का गल्ला अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अपने माता पिता वरिष्ठों की नेक सलाह आपसे आपको समर्थन मिलेगा। 14 और 15 को परेशानी आएगी, आप किसी कारण से शर्मिंदगी महसूस करेंगे, आप में धैर्य की कमी रहेगी, गुस्सा अधिक आ सकता है, शारीरिक आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सरदर्द बदन दर्द की समस्या हो सकती है। 16 और 17 को विजय सूचक दिवस रहेगा। सनक की हद आप पर हावी हो सकती है। व्यस्त काम में आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। आपको चाहिए कि संयम बरतें, थोड़ा प्राणायाम आदि करें जो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीटिंग वगैरह थोड़ा सा प्लान करके ही करें। 18 तारीख को समय सम्मान सूचक आ जाएगा।
आपको राज्य सरकार या अपने बॉस द्वारा कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है। एक पूर्ण व्यक्ति, एक पूर्ण बिजनेसमैन, एक पूर्ण प्रोफेशनल की तरह आप काम और मनोरंजन दोनों में बैलेंस करने में कामयाब रहेंगे। भगवान गणेश जी की दुर्वा चढ़ाकर पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा।